खत्म नबूवत के मसले में मौलाना अनवर शाह से अदालत में पेश हुए तो आपने कुछ गुफ्तगू की तो कादियानी वकील ने कहा कि हजरत बाहवाला बात करें। आपने कहा यह तमहीद है, तमहीद मुतकल्लिम अपने लिए कायम करता है, जब दावा और दलील का वक्त आ जाएगा तो आपका ये अदालत का कमरा तंग पड़ जाएगा। लोग बड़े हैरान हुए। एक लड़की का निकाह हुआ था और खावन मिर्जाई था, लड़की मजबूत अकीदे की मुसलमान थी। उसने अदालत में इस्तगासा दायर किया कि मैं मोमिन मुस्लिम आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन मानती हूं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा ताबिंदा आसमानों में मानती हूं, जबकि मेरा खावन दोनों अकीदों में मुखालिफ है। वो कहते हमारे नबी के बाद क़यामत तक नबी आते रहेंगे, और हजरत ईसा को कहते हैं कि वो मर चुके हैं और वो ईसा जिसका जिक्र कुरान और सुन्नत में है वो भी मिर्जा है और वो मेहदी वो भी मिर्जा है, लिहाजा मुझे छुड़ाई दी जाए निजात दी जाए। मिर्जाइयों ने इसके मुकाबले में जो जवाब दाखिल किया उसका हासिल ये था कि ये इख्तलाफी मसला है, हम भी एक इस्लामी फिरका है, जैसे मालिकी और हनफी और शाफी और हम्बली और शाफी और हनफी का निकाह हो सकता है इख्तलाफ के बावजूद। तो अदालत में अंग्रेज था, सिख था, हिंदू था, जजेस पैनल था पूरा, लेकिन ये लोग बेशक मुसलमान तो नहीं थे, मुनसिफ बहुत थे। उन्होंने कहा खालिस इल्मी मसला है, और हिंदुस्तान भर के अकाबिर उलमा को नोटिस जारी किया कि हमारे पास एक केस आया है उसमें मुसलमान लड़की है और वो इस्लाम का दावा करती है और खावन मिर्जाई कादियानी है और वो उसके खिलाफ है और वो भी अपने आप को मुसलमान समझता है। उलमाए दीन से कहा गया कि आप अदालत आए और अदालत की मुआवनत करें कि ये लोग मुसलमान है या नहीं। शेखुल जामिया पंजाब में बुजुर्ग आलिम थे गुलाम अहमद साहब, उन्होंने उलमाए पंजाब से मशवरा करके देवबंद को तार दे दिए, दारुलूम देवबंद को। ये वो जमाना था कि हजरत अकदस मौलाना अनवर शाह से बीमार थे और उन्हें खूनी बवासीर था, पढ़ाना मौकूफ हो गया था और उनके पलंग के नीचे बाल्टी पड़ी रहती थी, चंद घंटों में खून से भर जाती, फिर वो फेंक के फिर इस तरह। तो देवबंद में मौलाना असदुल्ला साहब शेर बेशा और मौलाना मुर्तजा हसन साहब इमामुल मुनाजिरीन और शेखुल इस्लाम पाकिस्तान का और बानी मौलाना शबीर अहमद उस्मानी जैसे मुफस्सिर मुतकल्लिम मुहद्दिस और मुफ्ती किफायतुल्ला फकीह हिंद और अहमद सईद देलवी, इन्होंने इस मौजू पर तैयारी की कि दारुल उलूम देवबंद की तरफ से हम पेश हो। मुकर्ररा तारीख से पहले मुनासिब समझा गया कि इस सिलसिले में हजरत मौलाना अनवर शाह से भी दुआएं ली जाए, और शाह साहब तो बीमार थे। जब हजरत शाह साहब की खिदमत में गए, शाह साहब लेटे हुए थे और तबीयत बहुत नासाज थी, लेकिन जब ये बात सुनी तो इनसे कुछ सवालात किए कि मिर्जाई वकील ये कहेगा तुम क्या जवाब दोगे। इन्होंने जो जवाब तैयार किए थे वो सुनाए और हजरत शाह साहब ने कहा बहुत अच्छा, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है, अल्लाह जजाय खैर दे और शफात का सामान बनाए, लेकिन मिर्जाई फिरका और उनके वकील नहायत आयार और बकार है, ऐसा मोड़ आएगा कि वो आपको बंद करेगा। और अंदेशा है कि उस वक्त तक मेरी रूह न निकली हो,
और मैं बिस्तर मर्ग पर कानों से सुनूं कि मुसलमान कैसे हार गए, ये मेरी जिंदगी की तबाही का वाकया होगा और शायद इससे बढ़कर रुसवाई नहीं होगी, इसलिए मैं खुद जाऊंगा। वो बड़े हैरान हो गए और अगर शाह साहब ने जैसे ही कहा मैं खुद हाजिर हूंगा और मसले की वजाहत करूंगा और मिर्जाइयों के हर तरह एतराजात और सवालात का जवाब दूंगा, तो शाह साहब के इस कहने के साथ रंग तब्दील हो गया और वो जो खून टपकता था वो रुक गया और आप बैठ गए और आपने अपने खास शागिर्दों को तलब किया और उनसे कहा जिन जिन किताबों का मैं कहता हूं उनके बस्ते तैयार करो। अखबारात दिल्ली और लाहौर में आया कि हजरत मौलाना अनवर शाह से बहावलपुर के मुकदमे में खुद पेश हो, मिर्जाइयों पर भी जलजला आया। उन्होंने मौली सरवरुद्दीन और मौली रोशन खान के साथ गुफ्तगू में हजरत शाह साहब के महूब मुलाकात दी गई। मौलाना गुलाम अहमद साहब शेख उल जामिया ने पूरे हिंदुस्तान, उस वक्त हिंदुस्तान था, ये खबर शाया की कि हजरत मौलाना अनवर शाह से बहावलपुर के मुकदमे में बनफ्स नफीस आए थे। चुनांचे हजरत के जो हिंदुस्तान के तूल व अर्ज में तलामीज थे जिन्होंने हजरत शाह साहब से दौरे हदीस पढ़ा था, वो बड़ा गैरती तबका था, उन्होंने मौजू से मुताल्लिक तमाम कलमी और मतबू किताबें जिस इलाके में जो मुमकिन थी तैयार कर ली। मुकर्रर तारीख पर हजरत तशरीफ लाए, हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना इदरीस साहब मेरठी जो बिनोरी टाउन के शेख उत तफसीर और उस्तादुल हदीस थे और वफाक के हिलल वफात सदर थे, वो साथ थे, शाह साहब ने हाथ रखा था। लेकिन जब अदालत पहुंचे तो हजरत ने कहा मौलाना हट जाओ, मिर्जाई देख लेंगे कि खत्म नबूवत का वकील कमजोर है, मैं चल सकता हूं, इसी गैरत ईमान। हजरत खुद अदालत दाखिल हो गए और एक तरफ बैठ गए। मिर्जाइयों ने अपने केस की पैरवी के लिए मिस्र से वो कला तलब किए थे कि हमारे मुल्क के उलमा उमूमन अरबी बोलने में कमजोर होते हैं और मरूब हो जाते हैं, तो जवाब नहीं दे सकेंगे। वो मिस्री वकील जो था वो ये बात कर रहा था कि खत्म नबूवत की कोई हदीस सेहत को नहीं पहुंची और सब पर कलाम है, यहां तक कि खातम नबीन पर भी कलाम है, इसलिए अगर किसी ने नबूवत का दावा किया है तो उसको काफिर नहीं कहना चाहिए। बड़ा नाजुक और उसूल का मसला उठाया, पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। मौलाना शब्बीर अहमद और मौलाना अहमद सईद देलवी और मुफ्ती आजम हिंद मौलाना के फैतुल्ला तमाम अकाबिर साथ मौजूद थे। सर शाह साहब पीछे बैंक पर बैठे थे, वहां से आपने आवाज दी कि फवातह और रहमूद शरम मुसल्लम सबूत में इस हदीस पर इजमा नकल किया गया है कि इसके मुतवातर होने पर इजमाए मुहद्दिसीन फुकहा। उसने कहा कि वही लिखा हुआ है कि गजाली ने इसको जईफ कहा है। हजरत ने कहा कि अदालत से दरखास्त करता हूं, कादियानी वकील मकर और दरोगोई से काम ले रहा है, फवातह और रहमूद वकील के हाथ में जज ले ले, मैं सफा और सतर बताता हूं। और हजरत साहब ने इबारत पढ़ी और जज को कहा कि मैं अरबी का लफ्ज बलफ्ज तर्जुमा करके सुनाता हूं। वहां इमाम गजाली ने कहा है कि जिस दौर में भी इसको कमजोर कहा गया वो कमजोर उलमा थे,
अक्विया और सिकात मुहद्दिसीन और फुकहा ने हमेशा इसकी तवातुर और तवारुस तस्लीम की। बिल्कुल बरक्स पेश कर रहा था मिर्ज़ाई वकील, क्योंकि उमूमन उलमा को इतनी ज्यादा इत्तला नहीं होती। अदालत ने जब यह देखा कि पीछे एक बीमार बूढ़ा सा आदमी बैठा है और जिल्द के सफे और सतरे गिनवा रहा है, तो अदालत ने कहा मैं हम गुजारिश कर सकते हैं कि आप आगे तशरीफ लाए, आप आगे तशरीफ लाए। अदालत ने वकील को कहा खामोश हो जाओ बिल्कुल, वरना गिरफ्तार करा दू। तो ही नहीं अदालत है, झूठ बोल रहे हैं आप। तो हजरत शाह साहब ने अदालत से दरखास्त की कि बेहतर होगा कि मैं इस मौजू पर एक तकरीर करूं, मुझे उम्मीद है कि मेरी तकरीर से आपकी अदालत की तमाम फिजा साफ हो जाएगी। और दो मसले इस वक्त ज़ेर बहस है, मैं अव्वल खत्म नबूवत बयान करूंगा, आयत व अहादीस आसार से अर्ज करूंगा कि यह मसला कुरान करीम की तरह पुख्ता और मजबूत है कि हर तरह के नबूवत और रसालत हमारे पैगंबर पर खत्म है और आपके बाद सिर्फ ईसा मसीह आएंगे और उस अहद के इमाम महदी जाहिर होंगे, बाकी कोई छोटा बड़ा टेढ़ी जापानी नबी नहीं आएगा। अदालत ने दरख्वास्त की कि हम बहुत खुशी महसूस करेंगे, और वो तो एक ही हवाले से मुतासर हो गए थे बहुत साफ। आपने उस वक्त जो गुफ्तगू का आगाज फरमाया उस मुनासिबत से ये बात याद आई कि जब आपने कुछ कलाम किया तो कादियानी वकील ने कहा आप दलाइल दे, आपने कहा ये मेरी तमहीद है। तमहीद मुतकल्लिम के लिए होती, दावे के लिए होती, जब दावा और दलील आएंगे तो ये अदालत का कपड़ा तंग हो जाएगा। जब आपने खातमुन नबीयीन पर 244 किताबों के हवाले दिए और तमाम उलमा ने सारी किताबें आगे करके रख दी और उनके गैरती शागिर्दों ने, तो अदालत ने और बेंच मंगवाए और मेज मंगवाए और मंगवाए, वक्तन फवक्तन लोगों को पीछे करते थे। कितने हजार किताबें मंगवाई गई उस दौरान। अदालत ने दरख्वास्त की कि हम आपके मुकाबले में फरीक के मुखालिफ की कोई बात नहीं सुनेंगे, वो उनकी रसाई आपके इलम तक नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ किताबों के नाम ले और हवाले, किताब न मंगवाए क्योंकि जगह नहीं रही। आपने कहा ऐसा हो सकता है, कादियानी वकील को खामोश करना आपका काम है और मसला समझाना मेरा काम है। आपने इस एक मसले पर 5 घंटे तकरीब और दलायलों के अंबार लगाए। तो अदालत ने पूछा कि हजरत वाला का हाफिजा और इत्तला और सलाहियत मशीनरी से बढ़कर है, दुनिया में कोई कंप्यूटर कोई मशीन इस तरह नहीं हो सकती। आपने फरमाया ये दीन की ताईद के लिए अल्लाह कमजोर बंदों को भी कुव्वत दे देता है, तवाज़ुअन फरमाया। और उस जजमेंट में जजेस ने लिखा है कि हमने यूरोप और कायनात के बड़े कुतुबखाने और लाइब्रेरियां देखी, हमारी अदालत में आज एक मसले में देवबंद का एक मुदर्रिस मौलाना मोहम्मद अनवर शाह पेश हुआ है, हमने उन जैसे हाफिजा और यादाश्त और दुनिया की किताबों तक रसाई न कभी सुनी है और न देखी है। अदालत को बहुत फख्र है और बड़ी खुशी है कि कायनात का एक फर्द फरीद आज पेश हुआ है और उसने मतलूब मसले में अदालत की भरपूर तआवुन किया है। और अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि जिसको इस्लाम कहते हैं और अंबिया और मुरसलीन लाए और आसमानी मजहब है जिसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वो इस्लाम इतना मजबूत है कि कोई भी उसके खिलाफ करे या दावा करे उसको नुकसान नहीं पहुंच सकता,
जबकि उसमें मौलाना मोहम्मद अनवर शाह जैसे उलमा हो। और जो शख्स अपने आप को कभी मुद्दई नबुव्वत, कभी मुज्तहिद, कभी मुजद्दिद, कभी मेहदी कहता है, वो मसीह यानी बलामत कादियानी, वो बिल्कुल इस्लाम के अलावा एक नजरिया है। उन अकायद व आमाल और तनाजुर का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बिल्कुल गैर इस्लाम एक मफरूजा है, जालसाजी, ये लिखा हुआ फैसला है। देखिए मुकदमा बहावलपुर जो खत्म नबूवत ने शाया किया है, और इस वाकये को हमारे अजीज दोस्त मौलाना रशीद अहमद साहब लुधियानवी जो रहीम यार खान में तशरीफ फरमा होते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के भी कोई जिम्मेदार है, असल में वो लुधियाना के हैं और मिर्जे पर सबसे पहले फतवा उलमाए लुधियाना मौलाना मोहम्मद लुधियानवी और उनके बेटे इस्माइल लुधियानवी ने लगाया था। असल में लुधियाना और कादियान इस तरह है जिस तरह गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर साथ साथ है, और देवबंद बहुत दूर है। तो हजरत गंगोई को और दीगर अकाबिर देवबंद को मिर्जे की तहरीरात नहीं पहुंची थी, तो अजरोए एहतियात उन्होंने बाद में तकफीर की। इससे बाज बिदतियों ने कुछ और बनाया, उसका जवाब मौलाना रशीद अहमद लुधियानवी और उनके बड़ों ने दिया है। असल में एक फतावा शाया हुआ है, फतावा कादरिया, उसमें बहुत दजल और लबस और मकर और दरोख से काम लिया गया था। तो अल्लाह जजाय खैर दे अजीजुल कदर मौलाना रशीद अहमद लुधियानवी को, जिन्होंने अपने आबाओ अजदाद के इलम तरास भी जिंदा रखा, और हजरत शाह साहब के बारे में ये अनमिट नकूश वहां मौजूद है। आजकल उस किताब का नाम है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर कुफर का फतवा सबसे पहले उलमाए लुधियाना ने लगाया। ये किताब मैंने दोरे हदीस में कहा हर आलिम और तालिम के पास होना चाहिए। बल्कि अजीजम मौलाना रशीद अहमद लुधियानवी से इजाजत ले लूंगा, अहसन उलूम की तरफ से बिरादरम हुमायूं मुगल शाया करे मेरे कुछ मामूली से मुकदमे और तारुफ के साथ, ताकि हम अपने दर्स के भाइयों को फौरन तकसीम करें। इलम का खजाना और गंजीना है, और अनवर शाह साहब के उलूम का मजर या तम है। ये जहान फानी है कोई भी शैला फानी नहीं, फिर भी इस दुनिया में अनवर शाह का सानी नहीं।